क्या बोल रहे रिपब्लिक, बेल आइकन दबाएगा कि नहीं? सो फाइनली मैंने स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2 देख ली, और इसके देखने के पीछे मेरे पास दो बड़े रीजंस थे, ये दो बड़े रीजंस थे। तो आज मैं आपको इसकी हिस्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी फुल डिटेल में, हिंदी में। और यार यूट्यूब पर ना बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं इस मूवी से रिलेटेड, कि फिल्म अच्छी नहीं है, ओवर एक्टिंग है वगैरह वगैरह। तो आज उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो रिव्यू वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये है रोहन, ये है मृदुला, इन शॉर्ट मियाँ, ये वाली मियाँ, ये है श्रेया, और ये है मानव। श्रेया और मानव भाई बहन हैं और संत टेरेसा कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे बेटी हैं। और भाई को तो पहचानते हो यार, हर से अपना। तो चलो यार इसकी स्टोरी पर आते हैं। मियाँ और रोहन बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे, मतलब तब से जब इनके दूध के दांत तक नहीं टूटे थे। पहले ये दोनों पिशोरी लाल कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन फिर मियाँ संत टेरेसा कॉलेज चली जाती है। अब रोहन वहाँ के फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहीं रह जाता है। और फिर किसी तरह से स्पोर्ट्स कोटा से वो सेंट टेरेसा में एडमिशन ले लेता है। लेकिन वहाँ जाकर के देखता है कि मियाँ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। वो उसे मना कर देती है कि आवर लाइफ हैव चेंज, दैट वाज आवर पास्ट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बट कुछ दिनों बाद वो सामने से इनिशिएट करती है और दोनों फिर से रिलेशन में आ जाते हैं। अब रोहन की दोस्ती वहाँ मानव से होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच है और स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर ट्रॉफी का 2 साल से विजेता है। लेकिन रोहन की मानव की बहन श्रेया से पहले दिन से ही बिल्कुल नहीं बनती है, यहाँ तक कि श्रेया मानव के बर्थडे पार्टी में रोहन के पुराने फ्रेंड्स का इंसल्ट करके रोहन और उनके फ्रेंड्स के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर देती है। अब कॉलेज में एक डांस कंपटीशन रहता है और मियाँ उसे बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटली जीतना चाहती है। एक बार मैं डांस कंपटीशन जीत गई ना, देयर विल बी नो टर्निंग बैक, अपना हर ड्रीम पूरा करके रहूंगी। सो रोहन और मियाँ के मेन कंपटीटर रहते हैं रोहन और श्रेया। एक्ट के दौरान मियाँ का हाथ स्लिप हो जाता है और वो स्टेज पर ही गिर जाती है, इसलिए वो कंपटीशन हार जाती है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहती है। तो जब रोहन उसे कंसोल करने के लिए उसके घर जाता है तो वो ये देखता है, मतलब लगे पड़े थे यार दोनों। और रोहन भी मियाँ को कुछ नहीं बोलता है, उल्टे रोहन को ही एक पंच मार के आ जाता है, कधा कहीं का। अब अगले दिन रोहन को कॉलेज में मिलता है रेस्टिगेशन लेटर, उसे सेंट टेरेसा से रेस्टिगेट कर दिया गया रहता है। तुम्हें सेंट टेरेसा से निकाला जाता। फिर मानो रोहन को भरपूर पिटकर कॉलेज से निकाल देता है। और अगले दिन रोहन मानो को चैलेंज करता है कि वो पिशोरी लाल कॉलेज के तरफ से संत टेरेसा से चैंपियन कप और मानव से स्टूडेंट ऑफ द ईयर जीत के रहेगा। टेरेसा का स्टड, किशोरीलाल चमन्नास कॉलेज के हाथों से डिग्निटी ट्रॉफी हारेगा और मेरे हाथों स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अब श्रेया रोहन के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि शहर में हो रहे एक डांस कंपटीशन में वो उसके साथ पार्टिसिपेट करे। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। ये दोनों साथ में कंपटीशन की तैयारी करते हैं और फाइनली जीत भी जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच उन दोनों में अननोइंगली धीरे धीरे प्यार हो जाता है। एंड गेस व्हाट, मियाँ वापस आ जाती है रोहन के पास मानो को डंप करके। कभी कभी तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स ने इसका नाम बहुत सोच समझ के रखा है। अब रोहन, श्रेया और मियाँ के बीच में एक अजीब सा लव ट्रायंगल बन जाता है। अब रोहन इन दोनों के बीच थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो फाइनली श्रेया को चुनता है। आखिर बंदा कितना रिस्क ले भाई। अब आता है कंपटीशन का टाइम, और कंपटीशन से कुछ दिनों पहले ही टेरेसा वालों और पिशोरी लाल वालों के बीच में एक फाइट हो जाती है। और फिर पिशोरी लाल की टीम और भी जी जान से लग जाती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फिर क्या, कंपटीशन होता है और पिशोरी लाल की टीम बाल बाल जीत जाती है और रोहन को मिलता है स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर। सो रिव्यू तो मेरा इस मूवी के बारे में पॉजिटिव है यार, मुझे ये मूवी अच्छी लगी। एक्शन ठीक ठाक है, डांस कमाल का है, ह्यूमर भी है, तो मुझे तो ये फिल्म अच्छी लगी। लेकिन अब इसमें कुछ डाउनफॉल भी हैं। नंबर 1 है इसकी स्टोरी,
स्टोरी तो तुमने सुनी ली यार, तो अभी तक तो गेस कर ही लिया होगा कि फिल्म की स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। अब सबसे बड़ी डाउनफॉल इस मूवी की यही है कि यह करण जौहर की फिल्म है। मतलब सब कुछ थोड़ा फेक फेक सा है, कॉलेज बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन एक बात तो है, इंटरटेनमेंट के मामले में ये कहीं भी पीछे नहीं है। मतलब मूवी तो इंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हो ना यार, तो ये मूवी तो पूरी तरह से इंटरटेन करती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब जहाँ तक बात है करण जौहर की, तो उसकी ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ ऐसी ही होती हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये उसकी स्पेशलिटी है या फिर वो बंदा इस फील्ड में ही एक्सपर्ट है। अब इंग्लिश में एक कहावत है, यू कांट जज ए फिश बाई इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री। मतलब मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से क्यों जज कर रहे हो यार, वो तो पानी में तैरने के लिए बनी है ना। इसी तरह से करण जौहर से सीरियस फिल्में क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, वो ऐसे ही फिल्में बनाने के लिए बना है। तो कंक्लूजन यही है मूवी का कि देखना है तो दो बातों का ध्यान रखना, एक इस मूवी के नाम और ट्रेलर को पूरी तरह से भूल जाना, मतलब मूवी पूरी तरह से ब्लैंक माइंड से देखना, क्योंकि ये मूवी स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर के काफ़ी पीछे है, और दूसरा ये याद रखना कि ये करण जौहर की मूवी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपना यारों दोस्तों वाला चैनल यार।